अलग अलग पुस्तकें अलग अलग अनुभव लिखे हुए हैं लोगों ने, अलग अलग कारण, अलग अलग जानकारियां भी उसमें हैं। मैं पत्रकार के नाते और एक विद्यार्थी कार्यकर्ता के नाते हर बार मुझे ये लगता है कि इंदिरा गांधी को जब ये एहसास हो गया कि वो इस देश को सीधा कर सकती हैं और इतनी शक्ति उनको 71 के चुनाव में 71 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जीत कर मिल गई है, उस अहंकार में उन्होंने आपातकाल लगाया और इसलिए हटाया कि उनको ये डर हो गया कि जिस ढंग से और सत्याग्रह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अकाली दल 19 महीने चला रखा है, विपक्ष के अनेक नेता कार्यकर्ता बाहर रहकर अंडरग्राउंड आंदोलन कर रहे हैं, उसमें कोई उनको शारीरिक, उनको और उनके परिवार को कोई शारीरिक क्षति पहुंचा सकता है, इस डर से और इमरजेंसी उन्होंने हटाई। और अब आपातकाल और एफओई की बहुत बातें होती हैं और जो लोग बातें करते हैं उनमें बहुत सारे पत्रकार हैं, अनेक लोगों के साथ हमने काम किया। मैं सोचता हूं कि उन दिनों भी वो थे रहे होंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया होगा, उनकी क्या भूमिका रही होगी, और जो उन दिनों नहीं रहे लेकिन एफओई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें आज कर रहे हैं, अगर वो उस समय रहे होते तो उनका क्या हाल होता। इसलिए इमरजेंसी को हर साल याद करना ज़रूरी है। ये अच्छी बात है कि पुस्तकों में सरकार ने उसको शामिल किया, पता नहीं वो कैसे करेंगे, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये सिर्फ विपक्ष का या सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों का संघर्ष नहीं था, ये सारे देश का संघर्ष था। इसमें महिलाओं और बच्चों की जो भूमिका है वो अभी तक कहीं आई नहीं है। हम सब लोग अपना तो गुणगान बहुत करते हैं, लेकिन बच्चों ने अंडरग्राउंड सामग्री को पहुंचाने में, महिलाओं ने नशाबंदियों के परिवारों की मदद करने में, उनका घर चलाने में जिस ढंग का संघर्ष किया वो किसी ने देखा नहीं। ये भारत का संघर्ष था और इसलिए इसको याद करना ज़रूरी है। अभी हमने 26 जून को अपनी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम किया था और मैंने निश्चय किया है कि इमरजेंसी पर देश में शायद कोई PhD नहीं है, तो जो लोग मीडिया की PhD कर रहे हैं, मेरे यहाँ कुछ लोग कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, मैं उनमें से अगर कुछ लोगों को ठीक PhD करने के लिए प्रेरित कर सका ताकि ये इतिहास में दर्ज हो, आगे की पीढ़ियों को दस्तावेज के रूप में मिले, तो मैं समझूंगा कि हाँ मेरा भी कुछ छोटा सा इसमें योगदान था। पत्रकारों को तो इसको ज़रूर याद रखना चाहिए और दिल्ली पत्रकार संघ और MCUNUJC ऐसे कार्यक्रम सिर्फ रस्मी तौर पर न करें बल्कि परस्पर संवाद में करें, उसमें सवाल उठे, उन सवालों के जवाब दिए जाएं ताकि वो इतिहास लोगों के सामने बार बार आए। धन्यवाद।